विरासत भी, जो नरेंद्र मोदी के नामांकन से एक दिन पहले उनके वाराणसी आगमन के समय भी दिखा। सोमवार को जब नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे तो भव्य रोड शो किया। इस दौरान बीते 10 साल में बनी नव्य और दिव्य काशी की भव्य तस्वीरें भी दिखाई गई। रोड शो के बाद प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर अपने आराध्य महादेव से आशीर्वाद भी लिया। सातवें चरण के लोकसभा चुनाव में वाराणसी समेत उत्तर प्रदेश की 13 और बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। इतना ही नहीं, अभी 3 चरण के चुनाव में उत्तर प्रदेश की 41 और बिहार की 21 सीटों पर मतदान बाकी है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या वाराणसी के चुनावी रण में नामांकन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सियासी प्रदर्शन से माहौल एक तरफा हो जाएगा? अभी तो ये बताना या फिर आंकलन करना मुश्किल है, लेकिन अगले 3 चरण में उत्तर प्रदेश और बिहार की जिन सीटों पर मतदान बाकी है उनका पिछला अंक गणित देखिए, फिर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट वाराणसी की अहमियत समझ में आएगी। अगले 3 चरण के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जिन 41 सीटों पर मतदान बाकी है उनमें 2014 में बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन एनडीए को 38 सीटें मिली थी, तो मौजूदा विपक्षी गठबंधन इंडिया को सिर्फ 3 सीटें मिल पाई थी। 2019 में इन 41 सीटों में एनडीए को 33 सीटें मिली, तो मौजूदा विपक्षी गठबंधन इंडिया को 2, बीएसपी और अन्य के खाते में 6 सीटें गई थी। जबकि अगले 3 चरण के चुनाव में बिहार की जिन 21 सीटों पर मतदान बाकी है उनमें 2014 में एनडीए को सारी 21 सीटें मिली थी, तो मौजूदा विपक्षी गठबंधन इंडिया शून्य पर सिमट गया था। 2019 में भी एनडीए को सारी 21 सीटें मिली, तो विपक्षी गठबंधन का खाता भी नहीं खुल पाया। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टिकट दिया, जिसका कि बीजेपी को फायदा हुआ। भारतीय जनता पार्टी को फिर इस बार उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार टिकट दिया गया है, जिसका उन्हें बहुत बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। इससे ठीक इतर विपक्षी इंडिया गठबंधन के 2 बड़े दल आरजेडी और समाजवादी पार्टी को ऐसा लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने में उन्हें कामयाबी हासिल मिलेगी, और इस बात का वो दावा भी कर रहे हैं। वैसे विपक्षी गठबंधन ने 2024 का अंक गणित बदलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। चुनाव के समय आके आपको कुछ भी बोल देंगे, कह देंगे कि आपके खातों में 15 लाख रुपए डाल रहे हैं। चुनाव के बाद नहीं होता, कहते कि वो तो चुनाव के लिए जुमला था, वो कहाँ बोला था हमने, क्योंकि उनको ये एहसास हो गया है कि उनको आपसे वोट लेने के लिए काम करने की जरूरत है। कांग्रेस चाहे जो दावा करे, बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने 4 चरण के चुनाव में ही एक बार फिर मोदी सरकार पर मोहर लगा दी। 4 चरण पूरे हो गए हैं, 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। बंगाल में 80 सीटों का चुनाव पूरा हो, 18 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। आज मैं बताकर जाता हूं, ये 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं। अब इसे नए मुकाम तक ले जाने में बीजेपी ने भी पूरी ताकत लगा दी। ऐसे में वाराणसी में नामांकन के बाद जाते जाते नरेंद्र मोदी ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं को हर बूथ पर पिछली बार से कम 370 वोट ज्यादा कराने का मंत्र देकर गए। अब सवाल ये कि क्या ये संभव हो पाएगा? काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिन के मेगा शो के बाद बाकी बचे 3 चरण में बीजेपी 400 पार के लक्ष्य के करीब पहुंच जाएगी। अब 2024 का अंतिम अंक गणित क्या होगा, यह अब से सिर्फ 21 दिन बाद पता चल जाएगा। तब तक खुद के दावे को दमदार और विरोधी को बेदम बताने का सिलसिला जारी रहने वाला है।